सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कृषि दुनियादारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्याज के बारे में। प्याज हर घर में प्रयोग की जाने वाली सब्जी है, जो किसी भी सब्जी के स्वाद को बढ़ा देता है, इसलिए इसको लगभग हर सब्जी में प्रयोग किया जाता है। आज इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि प्याज जो है वो कैसी सब्जी है, इसके क्या खाने से लाभ है और क्या इसके नुकसान है। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सबसे ज्यादा सब्जी है, इसलिए प्याज पर बात करना बहुत जरूरी है और प्याज के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें। और ये सीरीज जो सब्जी वगैरह के बारे में हम बताते चल रहे हैं, ये आप लोगों तक जानकारी आसानी से पहुँचती रहे, इसलिए कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। प्याज का बॉटेनिकल नेम होता है एलियम सेपा। ये एलियेसी कुल का पौधा है। ये रूपांतरित पत्ती है और ये मुख्य रूप से रबी की फसल है, यानी इसको जाड़े के सीजन में उगाया जाता है। यदि आप इसकी फसल सब्जी के रूप में ले रहे हैं तो ये एक वर्ष का पौधा है, और वहीं अगर बीज भी बनाना है आपको तो ये दो वर्ष का पौधा हो जाता है। यानी सब्जी सल्क बनने तक ये एक वर्ष लगता है और बीज बनने में इसको दो साल हो जाते हैं। प्याज विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। वहीं प्याज और भिंडी में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अपने देश में लाल रंग के प्याज का अधिक उत्पादन होता है, जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किया जाता है, और पीले रंग का प्याज जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में उत्पादित किया जाता है, जो कि पीले प्याज की मांग विश्व बाजार में सबसे अधिक है। लाल प्याज निर्यात के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए अपने देश में सबसे ज्यादा उत्पादन लाल प्याज का होता है। प्याज में लाल रंग एंथोसानिन के कारण होता है, वहीं जो प्याज में पीला रंग होता है वो क्यूरेसिटिन के कारण होता है, और प्याज में जो तीखापन होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। प्याज और लहसुन में जो विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है वो सल्फर और सल्फाइड के कारण। प्याज में एक चीज देखने को मिलती है कि जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्याज में प्रोपेनिल सल्फोनिक एसिड की मात्रा पाई जाती है, जो हमारी आंखों को जो है आंसू आने का काम करती है। प्याज का सेवन गर्मियों में सबसे अधिक मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि प्याज गर्मियों में हैजा और लू से हमारे शरीर को बचाए रखता है। तो साथियों, ऐसे ही हम अन्य फसलों के बारे में आप लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करिए, लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।